अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं लेके आई हूँ, ये 12 साल की बच्ची है और इसकी मैं साइड ओपन बनाऊंगी। एक ओपन होती है इधर सीधी, ये मैं साइड ओपन बनाऊंगी और साइड ओपन बनाने का इजी और आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किसी मुश्किल में ना पड़े। जो बच्चे सीख रहे हैं वो आसानी से बना लें। उसका तरीका ये है कि ये मेरे पास कमीज है, इसकी लंबाई मैंने ले ली है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी रखनी है इससे, तो ये लंबाई ले ली है और लंबाई इसकी मैंने ली है, इसकी है लंबाई 34 इंच 34 और इसकी मैंने ली है 36। मैंने 2 इंच इसको बढ़ा लिया है क्योंकि ये कपड़ा श्रिंक होने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको 2 इंच बड़ा कर लिया। ये हो गया। अब मैंने इसकी लेनी है चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई है 19 इंच, ये तैयार है तो मैंने 20 इंच ले लेना है क्योंकि ये इसकी फिटिंग वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल सीधी सीधी है और सिलाइयाँ लगनी है इसमें, तो इसलिए मैंने ये बहुत ज़्यादा चौड़ा इसका चौड़ाई नहीं ली। ये हो गया। अब मैंने इसकी साइड लेनी है, साइड ओपन इसकी करनी है और साइड ओपन मैं इसके अपने गले की मदद से करूँ क्योंकि गले की शेप से ये निकली हुई है, तो उसकी मदद से मैं देखूंगी कि ये मेरा कितना बनता है। मिसाल के तौर पे ये बच्ची का ये डबल कपड़ा है, अब इसको मैं ऐसे ऐसे डबल कर लूंगी इस तरह और अब इसको इस तरह ऐसे डबल करके, मैंने पहले इसकी कटिंग नहीं करनी, पहले मैंने ये ओपन बना लिया, ओपन का मैंने देखना है कि इसका ये किधर तक आएगा, तो इसका अंदाजा मैं करूंगी। पहले हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले हमने इसका जो ओपन बनाना है वो बनाएंगे और उसका अंदाजा हमने इस तरह करना है कि क्योंकि हमने गले के अंदर से वो ओपनिंग लेके जानी है, तो हमने इसको पहले गले का देखना है। पहले नंबर पे तो बड़ों का 3 इंच होता है इसकी चौड़ाई 3 इंच, लेकिन हमने इसका गला थोड़ा चौड़ा रखना है, इसकी गहराई कम रखनी है, तो इसलिए हम ये बच्ची है तो फिर भी हम इसका 3 इंच ही रखेंगे। ये 3 इंच हो गया। अब 3 इंच के लिए हमने इसकी गहराई इसकी देखनी है क्योंकि ये वैसे अंदाजा कर रही हूँ, गला इसका इधर नहीं बनेगा, गला इधर इसके में बाजू के बाद बनेगा जब मैं इसकी कटाई वगैरह स्लाइस की ओपनिंग की मगजी वगैरह लगा लूंगी, तो फिर मैं इसकी कटिंग भी करूंगी और इसका गला भी बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं मगजी लगा लूंगी, इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये हो गया। अब इसका मैंने ये 3 इंच 3.5 इंच में ले लूंगी क्योंकि 3 इंच इसकी गहराई लेनी है और 3 इंच इसकी चौड़ाई, तो ये मैं इसकी चौड़ाई का इधर से ऐसे निशान लगा लूंगी ये। अब ये समझ ले कि ये फ्रंट साइड है। अब फ्रंट साइड को मैंने इधर से ऐसे पकड़ते हुए ऐसे कटिंग कर लेनी है इसकी, क्योंकि गला मैं इसके अंदर से ले रही हूं, मैं बार बार बता रही हूं गला मैं इसके अंदर से ले रही हूं, इसलिए मैं इसकी अंदर से ही कटाई करूंगी। और ये निशान आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे खोल के पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी ऐसे पकड़ के ऐसे जिधर मैंने निशान लगा ली है। आप इसको ये सिलाई का इधर से ये वाला सिलाई नजर आ रही है, इधर से थोड़ा सा 1 इंच आप इधर कर लें, तो ऐसे पकड़ के आपने ऐसे कटिंग कर लेनी है क्योंकि इधर थोड़ा कम है इधर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इस तरह आप करके फिर आप कटिंग कर लें। ये कटिंग हो गई। अब मैं इन एक साइड पे जो मैंने ऊपर रखनी है उस पर मैं मगजी लगा लूंगी और मगजी लगा के फिर मैं टोटली मुकम्मल शोल्डर की गले की सारी कटिंग करूंगी, फिर आपको बताऊंगी। ये जो मैंने थोड़ा कम कपड़ा ये कटाई की है इस पे हमने ये कपड़ा लगाना है, इस पे हमने ये कपड़ा इस तरह लगा के इस तरह सिलाई, तो इसको
थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके तो अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ये हो गया। अब ये मैंने ये कपड़े की कटाई की है। अब मैंने इसको भी इस बड़े कपड़े को मैंने ये वाली येलो मगजी लगानी है और ये डोरी के साथ लगाऊंगी और इसको डोरी लगा के तो ये अंदर मोड़ लूंगी। जब अंदर मोड़ लूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसकी इधर से सिलाई लगा के तो कैसे इसकी कटिंग करनी है। ये आप इस तरह इसको सीधा रखेंगे और इस तरह ये मगजी आप लगानी शुरू करेंगे। इस तरह लगाएंगे आप तो आपकी मगजी बहुत प्यारी और सही लगेगी। आप दूसरी तरह जिस तरह काटन का अगर कपड़ा होता है ना तो हमने उसको वैसे ही थोड़ा सा ऐसे मगजी टाइप दे के तो उसकी सिलाई लगा लेनी थी, लेकिन ये गर्म कपड़ा है और गर्म कपड़े के साथ हम सिल्क की मगजी लगा रहे हैं तो इसलिए हमें ये वाली सिलाई लगानी पड़ेगी। ये मगजी हो गई। अब मैं इसको बिल्कुल साइड साइड पे इधर पाँव की लगाते हुए इसको आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि आपने इधर मगजी लगा के इसको मैंने गला कटाई करनी है तो इसको बंद कर देना है, इसलिए मैं इधर ऐसे सिलाई लगा रही हूँ। ये काला धागा इसलिए अगर कमीज के ऊपर घेरे के लगानी होती तो हमने इसको येलो ही धागा इस्तेमाल करना था, लेकिन ये हमारी इस तरह ऐसे अंदर चली जानी है और हमें ब्लैक धागा इधर सिलाई लगाने के लिए चाहिए होगा तो इसलिए मैंने ये ब्लैक धागा डाले। ये काला नजर नहीं आएगा। आप ऐसे जो सिलाई का इसका कपड़ा होगा आप बेशक उसी से सिलाई कर लीजिएगा। और ये इसी तरह मैं सारी मगजी लगा लूंगी। आप जब घेरे पे मगजी लगाएंगी तो आप येलो या ग्रीन या जो आप मगजी लगा रही हैं उसी के साथ धागा आपने लगाना है। ये अंदर चले जाएगा इसलिए आपने जो सा मर्जी लगा सकती हैं। ये मैंने मगजी लगा ली है। इसी तरह ये मैंने कपड़ा लगा लिया है। अगर आपके पास का चौड़ाई ज्यादा है, आप वैसे कपड़ा फालतू है ज्यादा चौड़ाई है तो आप ये जोड़ नहीं डालेंगे, आप ऐसे ही इसको अंदर कवर करने के लिए आप रख सकती हैं। ये हो गया। ये अब ये जो नीचे ये मैंने इसको नीचे रखना है अब, और अब मैंने इसको ऐसे ऊपर रख लेने, ये मेरा इधर ऊपर आ जाएगा और ये मेरा नीचे आ जाएगा। ये मैंने अब पहले मगजी लगा के इधर मैंने सिलाई लगा लेनी है और इधर तक मैं ओपन रखूंगी। अब मैंने इसको तकरीब अब अपनी मदद के हिसाब से, आप ज्यादा बड़ा कट रखना चाहती हैं तो आप बड़ा भी रख सकती हैं, लेकिन हमें इतना नहीं रख सकते। मैं इसकी 10 इंची रखूंगी क्योंकि इसकी सिलाई भी 1 इंच आ जानी है तो मैं इधर तक ही रखूंगी, 10 इंच तक रखूंगी। और मैंने इसको जब इसके ऊपर नीचे किया हुआ है ऐसे तो मैं इसके किनारे किनारे पे इसको जोड़ने के लिए मैं सिलाई लगा लूंगी। ये जब जुड़ जाएगा तो फिर मैंने इसका नॉर्मल बिल्कुल आम सिलाइयों की तरह आम कटाई कर मतलब सिलाई लगाऊंगी, कटाई करूंगी और कमीज सिलाई करूंगी। लेकिन आपको मैं फिर भी बता दूंगी मैं इधर सिलाई लगा के कटाई करती हूँ। ये फ्रंट साइड है, इधर मैंने ये मगजी लगाई है और ओपनिंग बनाई है। ये हो गया। अब मैंने ये बैक साइड इसके ऊपर ऐसे डबल करके जिस तरह पहले रखी थी कटिंग के लिए उसी तरह दोबारा रख ली है। ये आप एक दफा फिर देख ले, ये मैंने मगजी लगा के दोबारा सेम उसी तरह रख लिया कटिंग के लिए। तो ये अब कटिंग होएगी इसकी, तो कटिंग मैं इसकी क्योंकि बच्चे की फिटिंग वगैरह नहीं है तो ये सीधी सीधी इसकी फिटिंग होगी। तो इसका बस तीरा, ये तीरा इसका 14 इंच तीरा इसका, ये इसकी इसका तीरा होगा। अब इसके शोल्डर देखूंगी कितने हैं, 8 इंच इसके शोल्डर है और 8 मैंने इसको इधर तक लेके जाना है। ठीक है, अब मैं इसकी चेस्ट देखूंगी, 18 इंच इसकी चेस्ट है। ये बिल्कुल सही निशान लग गया।
अब इसकी फिटिंग बिल्कुल खत्म है ही नहीं है इसकी फिटिंग। इसकी देखिए ये सीधी सीधी इसकी कमीज है, थोड़ी सी हल्की सी मैं शेप इसको दे दूंगी, लेकिन मैं अभी इसकी फिटिंग नहीं रखूंगी। और इसकी जो ये चीज़ है ये 13 इंच है, तो मैं 14 रख लूंगी क्योंकि ये नीचे आ रही है। तो अब मैं इसकी ये कटिंग करके ये 14 पे निशान लगाती हूँ, और इधर हल्की सी मैं ऐसे हल्की सी से देके इसकी शेप, तो मैंने इस निशान को मिला लिया। अब जब ये मेरी कटिंग इस तरह हो जाएगी तो मैं ये कटिंग होगी इसकी, ठीक है। अब मेरे निशान भी लग चुके हैं, ये कटिंग भी हो गई है। अब मैंने गले गले की चौरस गला बनाऊंगी, मैं चौरस शेप देके जिस तरह नॉर्मल मैं सिलाई करती हूँ बिल्कुल सादा सा, उसी तरह मैं सिलाई करके तो इसके बटन वगैरह लगाऊंगी, बस बाजू लगाऊंगी। लेकिन आपको ये ध्यान से देखने वाली चीज ये थी कि आप आसानी से ओपन कैसे बना सकते हैं साइड, क्योंकि वो बहुत मुश्किल तरीके से बनी होती है तो आपको मुश्किल लगती है, तो मैंने आपको ओपन बनाने की साइड ओपन बनाने का आसान तरीका बता दिया है। अब ये इजी तरीके से आप सीधे सीधे से सिलाई कर सकते हैं। ये वे देखें चौरस गला मैंने बना लिया सादा बिल्कुल, लेकिन ये बताना था आपको कि इसकी चौड़ाई मैंने बड़े औरत के या बड़ी लड़की के लिए रखी है। उसका रीज़न ये है कि ये जो हमने ओपन बनाई है ये साइड पे बनाई है, अगर हम इसको इधर रखते तो ये साइड पे दरमियान में आ जानी थी, तो इसलिए हमें ये चौरस गला बनाना पड़ा है, ये ऊपर तक नहीं लेके गए। अगर हम थोड़ा कम रखते तो ये दरमियान में आ जानी थी, अगर हम ज़्यादा रखते तो ये गला कम रखते तो ये चीज़ ऊपर तक आ जानी थी, इसलिए ये हमने चौरस गला रखा है जितना 3x3, 3 इधर से चढ़ा रखा है और 3 नीचे से गिरा रखा है। अब ये मेरा गला तैयार है, अब मैं ये सादे तरीके से इसको बिल्कुल जिस तरह आम सिलाई करती हूँ उसी तरह कुर्ता सिलाई करूँगी और इधर बटन लगाऊंगी, फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने गला बना के साइड सिलाई लगाई है, उसके बाद ये मैंने बटन लगा लिए, और ये ओपन है इधर 10 इंच तक मैंने ओपन रखा था, और ये इसी तरह मैंने मगजी बाजू में भी दे लिया है। ये कफ नुमाया लेकिन ये कफ नहीं है, सीधा ही है बाजू, तो ये इसी तरह को मैच करते हुए मैंने ये भी बना लिया है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।